साल था 2020। देश भर में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ था। ऐसे में ज्यादातर लोग इंटरनेट और मोबाइल का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कर रहे थे। इसी दौरान ऑल्ट बालाजी, जो कि एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है, वहां पर एक वेब सीरीज रिलीज हुई जिसमें सैनिकों की धर्म पत्नियों को चरित्रहीन दिखाया गया। ये भी दिखाया गया कि फौजियों की पत्नियां फौजी की गैर मौजूदगी में दूसरे मर्दों से नाजायज संबंध रखती हैं। कहानी के नाम पर इस वेब सीरीज में मात्र अश्लीलता थी। आप इसे एक सी ग्रेड फिल्म भी कह सकते हैं। आपको बता दें कि इसे एकता कपूर ने बनाया था। और आपको ये भी बता दें कि ऑल्ट बालाजी ओटीटी प्लेटफॉर्म एकता कपूर और उसकी मां शोभा कपूर ने ही बनाया है। इस वेब सीरीज की रिलीज के बाद शिवालिक जर्नल ने इसका खूब विरोध किया। और जब इसका हर तरफ से विरोध हुआ और कई FIR जब एकता कपूर पर हो गई, तो वेब सीरीज में से वो सीन हटा दिया गया। शिवालिक जर्नल द्वारा विरोध किए जाने पर एकता कपूर की तरफ से हमें धमकी भरे अंदाज में एक मेल भी किया गया और उस वीडियो को अपने चैनल से हटाने की बात कही गई, जिसमें एकता कपूर की हमने असलियत सबके सामने लाकर रख दी थी। वही मेल में चैनल को बंद करवाने की भी धमकी दी गई, लेकिन हम तब भी नहीं झुके। आज हमारी और आपके जैसे सेना का सम्मान करने वाले सभी YouTube चैनल और लोगों की एक बड़ी जीत हुई है। दरअसल बेगूसराय कोर्ट ने अब उसी मामले में एकता कपूर और उसकी मां शोभा कपूर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। बेगूसराय के ही एक्स सर्विसमैन शंभू कुमार ने कोर्ट में इसके खिलाफ 2020 में याचिका डाली थी, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों माँ बेटी यानी कि एकता कपूर और उसकी माँ शोभा कपूर को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा था। लेकिन एकता कपूर की तरफ से कहा गया कि वो सीन अब हटा दिया गया है और वो दोनों कोर्ट के सामने हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद अब कोर्ट ने दोनों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। आज ये सभी फौजी भाइयों और उनकी पत्नियों की सबसे बड़ी जीत है, जिनके चरित्र को एकता कपूर ने बदनाम करने की कोशिश की थी। एकता कपूर 100 जन भी ले ले तो भी वो हमारे फौजी भाइयों और उनकी पत्नियों के पैरों के धूल के बराबर नहीं बन पाएगी। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।